रात में मैं बस ग्रीन टी पी के और थोड़ा 10-11 बज गए थे, तो मैंने सुबह की सैर की तैयारी कर दी, क्योंकि सुबह फिर कभी आँख लेट खुलती है, इसकी वजह से मैं सुबह ही थोड़ा सा बना लेती हूँ फटाफट से। एटलीस्ट सालन वगैरह रहता है तो फिर रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस मैं आज बना रही थी कीमा, कीमा कीमा था, कीमा में सेपू की भाजी वगैरह डाल के मैं हरा मसाले वाला कीमा बना रही थी। अब ये सैरी की मैं तैयारी कर रही थी। अब रात के मेरे हस्बैंड 1 बजे, इतने बजे, 1:15 बज गए थे, वो आए, उन्हें खाना दिया मैंने। फिर मैंने सोचा चलो मैं आटा भी अभी सान के सो जाती हूँ, 2 घंटे के बाद फिर मैं उठूँगी। तो बस आटा भी सान दिया था, ये बस मैं सैरी में उठी थी और कीमा मेरा रेडी था। बस अब मैं रोटी बना रही थी फटाफट से, ताकि रोटी बन जाए। और फिर हम दोनों ही आज करने वाले थे, और कल से रिफत भी रोज़ा रखेगी, तो फटाफट से मैंने बोला चलो ये ताजुद पढ़ ली थी मैंने, ताजुद पढ़ के हो गया था फटाफट से। मैं उठ के चाय रख के फिर मैं ताजुद पढ़ने बैठ गई थी। बस अब ये इफ्तारी की शाम की प्रिपरेशन होगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपसे ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, मज़े होंगे। माशाल्लाह मैं आपकी दुआ के साथ ठीक ठाक हूँ, खैर से हूँ। इफ्तारी हो गई है, इफ्तारी के बाद मैंने चाय ले ली, नमाज हो गई। अब मैं बैठी थी तो सोचा कि मम्मी ने कुछ मेरे लिए गिफ्ट लाया था, कुंडे की नियाज जब मैंने रखी थी तब, तो उस वक्त मम्मी ने लाया था। मैंने उसके बाद से वो ओपन नहीं किए, मैं जो आपके साथ शेयर करना था इसलिए मैंने अब तक यूज़ नहीं किए। तो सोचा कि चलो आज वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। और मेरी सिस्टर आई थी, सिस्टर ने भी मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का जो डेली डेली रूटीन था रमज़ान का, वो भी मैं शेयर करते हुए चलूँगी। और सेकेंडली आपको मेरा जो मैं आइडिया लेके आई हूँ रमज़ान डे रूटीन पे, कोई भी एक रेसिपी मैं फुल वीडियो शॉर्ट पे डाल रही हूँ, शॉर्ट वीडियो पे डाल रही हूँ। तो आपको ये कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो डू कमेंट गाइस। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। और बस खैर से चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत जजाकल्लाह, खैर। और इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिएगा। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। पैन कढ़ाई लाई थी जो सेरेल करके ब्रांड है, तो ये मम्मी मुझे काफ़ी दिनों से ये चाहिए था। तो मम्मी को पता था मुझे ये मस्त कुकिंग वीडियोस में बनाती हूँ, तो उसके लिए मम्मा ने सोचा। तो मम्मी ये आई थी कुंडे की नियाज के टाइम, तो मम्मी ने ये लेके आई थी, तो मैंने चलो आपके साथ भी शेयर करती चलती हूँ। तो बेसिकली ये कढ़ाई बहुत प्यारी है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि इसमें खाना स्टिक नहीं होता है, और ये मस्त माशाल्लाह स्टेनलेस स्टील का है, अलग कौन सा ब्रांड है। और ये बहुत हैवी मटेरियल है, अगर ये आप देखेंगे ये मैं उठा भी नहीं पा रही, इतनी हैवी है। तो ये इस तरह से कढ़ाई है, और इसका बॉटम इतना यहाँ तक डीप है, थोड़ा सा डीप है, और शायद अच्छा है पकड़ने में भी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते चलूँ। ये आजकल के जो नॉन स्टिक पैन चल रहे हैं मार्केट में, उसमें काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद उसमें केमिकल रिलीज़ होता है, तो वो हेल्थ के लिए इज़ नॉट गुड। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ऐसे वाले मटेरियल के मैं काफ़ी बर्तन में थोड़े थोड़े धीरे धीरे लेते चलूँगी। तो मम्मा ने इसलिए मुझे ये गिफ्ट किया। ये बैग लाया था उसने, और ये मैंने ओपन नहीं किया, यूज़ नहीं किया, इनफैक्ट मैंने आपको दिखाना था। तो दिस इज़ अ हैंड पंप, यही गिफ्ट किया है। और मम्मा ने गिफ्ट किया है कढ़ाई, जो मेरे लिए यूज़फुल हो घर के लिए, तो मम्मा ने भी वैसे गिफ्ट किया है। तो उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जजाकल्लाह है। तो बस ये था आपके साथ शेयर करना, तो मैंने अब तक यूज़ भी नहीं किया है, तो इसको ऐसे ही रखना है, वापस कई बार जाना होगा तो आई यूज़ इट। तो बस ये था, आपको कैसा लगे मेरी सिस्टर का गिफ्ट और मेरी मम्मा का गिफ्ट, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए नीचे अभी से काट रहा है, देखो देखो देखो, ये और यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रैप दिया हुआ है इसमें, तो इस तरह से स्ट्रैप दिया है साइड में। देर इज अ वन बिग चेन लाइक दिस, बिग चेन, देर इज अ पॉकेट वन ईयर ईयर एंड ईयर, एंड देर इज वन स्ट्रैप। मैं निकाल लेती हूँ बिकॉज मुझे तो यूज़ करना है। और देख लो ये दिखा दो इसको, ये लोग को हर चीज़ खेलने की लगती है, तो ये हमेशा खेलने आ जाते हैं। और ये इस तरह से प्लास्टिक में खुश है। मोमा आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, देखो और एक है, और एक यस। आज मेरे हस्बैंड ने आलू ले आए थे, और आलू से कुछ नई डिश बनने वाला है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। और मैंने बनाना मंगाए थे, और फ्रूट चाट बनाना था आज, और आज साथ में मैंने मैंगो का टैंग बनाना है। तो बस ये सीजनल है, और मैंगो टैंग ही हम लोग को पसंद है फ्लेवर वाइज। तो बस अब मैंने रगड़ा पैटीज बनाने वाली हूँ आज, तो रगड़े की तैयारी हो गई है, और साथ में आलू के भजिए। मैं साथ में पानी पूरी करने वाली थी, पर हस्बैंड ने कहा कि दोनों सेम चीज़ नहीं रखना, तो ठीक है बहरहाल नेक्स्ट टाइम। अब पानी में मैंने नमक ऐड कर दिया, ताकि जो
आलू मैंने कट किए हैं, स्लाइस किए हैं, वो काले ना पड़े, अब उसको साइड में मैं रख दूंगी। और जो आलू मैंने बॉईल करके रखा था उसको अच्छे से मैश कर लूंगी। इसकी फुल वीडियो शॉर्ट वीडियो पे मैं ऐड कर दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें टिकिया बना के ले लेनी, तो बस हमें इस तरह से टिकिया बना लेनी है और पेटिस की, और इसको साइड में फ्रिज में थोड़ी देर मैं रख दूंगी ताकि वो सेट हो जाए, तो फ्राई करने टाइम वो चिपकेगा नहीं। दिस इज़ अ टिप। तो अब मैं बेसन का घोल बना रही हूँ अच्छे से। इसमें मैंने अजवाइन डाल दिया, कसूरी मेथी, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और डाल के मैंने इसको अच्छे से पेस्ट बना देना है। थिक सा पेस्ट बनाना है, पतला नहीं, ताकि वो आलू में अच्छे से लगे। अभी आलू के भजिए फ्राई भी कर लूँगी, साथ में मैं पेटिस भी फ्राई कर लूँगी, दोनों ही साथ साथ काम हो जाएगा। अब बस ये मेरी तैयारी इफ्तारी कम्प्लीट हो गई है माशाल्लाह से। अब मैं बैठूंगी, जाऊंगी, दुआ करूंगी, और उससे पहले मैं ये प्लेटिंग करके मेरे नेबर्स के पास भिजवा दूंगी, और इसके बाद हम दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद हम इफ्तारी करेंगे, नॉर्मल रूटीन, नमाज़ पढ़ेंगे। चलिए फिर, आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है डू गाइस कमेंट, और आप कमेंट नहीं कर रहे हैं और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड टिल देन एंड सेकेंडली, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रमज़ान है, नमाज भी पढ़िए, इबादत भी की है, रोज़ा भी रखिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज फ्रूट चाट बना था, इसकी भी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूंगी। एंड चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।